Hello second class, get ready for today's EVS class. Students, in the last class we have learned about the potable water. Now students, tell me, how to make water potable at home? Hum home mein water ko potable kaise banate hain? And in summers, when we feel like drinking cold water, what should we do to get potable cold water? So let's discuss the answers. Students, most of us have water filters that clean the water for us. हमारे पास घरों में ज़्यादातर water filter होता है और अगर हमारे पास water filter नहीं है then we will boil the water to clean it. Some of these filters work on electricity. If there is a power cut, the filters would stop working. So अगर power cut हो जाएगा तो filters जो हैं वो work करना stop कर देंगे. Also in summers, we feel like drinking cold water. We keep some, so हमें cold water drink करना होता है ना summers में. So we keep some water in the fridge. हम कुछ water जो है वो fridge में रखते हैं to cool beforehand. So use करने से पहले, हमारे पास आने से पहले हम उसको fridge में रखते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए. Some of us keep water in earthen pots to make it cool. Pots में भी जो water है वो cool रहता है. Therefore we need store some potable water to use it later. इसलिए हमें कुछ potable water को store करके रखना पड़ता है ताकि हम उसको बाद में use कर सकें. I hope you understand that. Dear students, as you know we are doing block 16, water to leave, and today we will learn the ways to store potable water. Clear? Now students, here is a question. Question is, how would you store potable water at home? आप घर पे potable water को कैसे store करोगे? So, we can store some clean water in clean plastic bottles. Clean plastic bottles में या फिर और steel bottles with lids. या तो हम plastic bottles में जिनके ऊपर ढक्कन होते हैं या फिर steel की bottles भी होते हैं जिनके ऊपर ढक्कन होते हैं and fill them up with potable water. उन बॉटल्स को हम पोटेबल वाटर से फिल करके फ्रिज में रख सकते हैं. वी कैन देन क्लोज देयर लीड्स टाइटली. वी कैन ऑल्सो स्टोर वाटर इन जार्स. हम जार में भी पोटेबल वाटर को स्टोर कर सकते हैं. स्टीन यूटेंसिल्स एंड कवर देम विद अ लीड. और फिर उनको हम एक ढक्कन से कवर कर सकते हैं ताकि उसके अंदर जम्प्स एंटर ना हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, व्हाट एल्स कैन वी डू टू स्टोर पोटेबल वाटर? Let's discuss some important facts about this lesson. So, we can use large campers that have a lid to store potable water. हम एक कैंपर को यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर लीड होता है, ढक्कन होता है पोटेबल वाटर को स्टोर करने के लिए. They have a tap in front of them. इनके फ्रंट में एक टैप होती है. We can open the tap and take out water for drinking. हम टैप को ओपन कर सकते हैं और वाटर को ले सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए. वाइल स्टोरिंग वाटर वी शुड मेक श्योर दैट इट इज़ कवर्ड सो दैट नो डर्ट एंड जर्म्स कैन एंटर इन इट. वी शुड मेक श्योर दैट द कंटेनर दैट वी यूज फॉर स्टोरिंग द वाटर इज क्लीन. जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वाटर स्टोर के लिए वो क्लीन हो और वो ढका हो प्रॉपर ताकि उसके अंदर जर्म्स और डर्ट जो है वो एंटर ना कर सके. वी शुड नॉट यूज कंटेनर. We should not containers that are used for storing other things like juice and milk to store water. हमें ऐसे कंटेनर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए जिनके अंदर पहले जूस या फिर मिल्क स्टोर किया गया है. हमें बिल्कुल क्लीन कंटेनर ही यूज़ करना है पोटेबल वाटर को कंटेन करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो इट्स टाइम फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, सो पहले आपको ये पिक्चर्स देखनी है. पिक्चर ऑफ अडल्ट एंड चाइल्ड टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वाटर कंटेनर. ओके, सच दैट हिज और हर हैंड्स आर ऑल्सो डिपिंग इन टू द वाटर. सो अगर ये वाटर ले रहे हैं किसी भी कंटेनर से तो इनके हैंड्स जो हैं वो भी उस कंटेनर के अंदर डिप हो रहे हैं. सो आपको मुझे ये बताना है, डू यू थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग that the child and adult is doing? What is it? Why is it wrong? What would happen as a result? So let's discuss. The child and adult is
टचिंग हिज और हर हैंड्स विद द स्टोर्ड वाटर. वो जो स्टोर वाटर है उसके साथ भी उनके हैंड्स जो हैं वो टच हो रहे हैं. द हैंड्स मे बी डर्टी और मे हैव जर्म्स स्टिकिंग इन टू इट विच एंटर द वाटर ऑल्सो. आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. द वाटर इज़ नो मोर पोर्टेबल, जिसके कारण जो वाटर है वो पोर्टेबल नहीं रह जाएगा. इफ़ वी डू नॉट स्टोर पोर्टेबल वाटर इन क्लीन कंटेनर वी मे फॉल सिक बाय ड्रिंकिंग वाटर दैट इज़ ऑल्सो जर्म फ्री. सो हम सिक हो सकते हैं जो वाटर जर्म फ्री नहीं है, जिसके अंदर जर्म्स हैं. तो हमें पोर्टेबल वाटर जो है वो क्लीन कंटेनर में रखना पड़ेगा और खुद के हैंड्स भी जो हैं वो क्लीन रखने पड़ेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ EVS लेसन नंबर 2 स्टोरिंग पोर्टेबल वाटर. वी कैन स्टोर पोर्टेबल वाटर इन वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स सच एज बॉटल्स जार्स एंड वाटर कैंपर्स. वी शुड मेक श्योर that the containers are washed properly. हमें ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि जो कंटेनर है वो प्रॉपर वॉश हैं and have no soap in them, और उनके अंदर कोई सोप नहीं रह गई है, कोई साबुन नहीं रह गई है. The container should be dried in the sun. Containers को sun की जो भी धूप होगी वहाँ पर उनको सुखाना चाहिए. Then potable water can be stored in them, और फिर ही उसके बाद ही उन कंटेनर्स में जो है potable water को स्टोर करना चाहिए. It is necessary that the container in which we store water should have a lid. Lid मतलब होता है ढक्कन, कि उस जिस भी कंटेनर में हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं उसके उसका एक लीड यानी कि उसका एक ढक्कन ज़रूर होना चाहिए. I hope you understand that. So containers to store water, bottles, jars and pot. I hope lesson is clear to you all. Now please open your worksheet as to ways to store potable water. Question number 1 is, why do we need to store potable water? Give 2 reasons. We need to store potable waters for drinking later. सो हमें बाद में ड्रिंक करने के लिए भी पोर्टेबल वाटर को स्टोर करना चाहिए. वी नीड टू स्टोर सम पोर्टेबल वाटर टू यूज़ इट लेटर, ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. श्वेता एंड हर फैमिली हैव प्लान्ड अ फैमिली पिकनिक. सजेस्ट वेज टू हर टू कैरी पोर्टेबल वाटर विद दैम. सो वो अपने साथ पोर्टेबल वाटर को कैसे कैरी कर सकती है, आपको वो वेज सजेस्ट करनी है. शी कैन फिल अ प्लास्टिक बॉटल और अ स्टील बॉटल विद लीड्स एंड फिल देम विद पोर्टेबल वाटर. क्लियर? एंड शी कैन ऑल्सो यूज़ अ कैंपर, वाटर कैंपर जो होता है वो उसका भी यूज़ कर सकती है. क्योंकि पिकनिक में फ़िल्टर साथ में ले जाना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फ़िल्टर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. सो शी कैन कैरी अ बोटल और अ कैंपर और अ जार. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. आपको इस पिक्चर में देखना है, देखिए ये कंटेनर में वाटर है और वाटर जो है वो कैरी कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इसके हैंड जो है वो वाटर के अंदर हैं, अंदर डिप हो चुके हैं. सो वट इज़ रॉन्ग इन द पिक्चर. इस पिक्चर में क्या रॉन्ग है? इन द पिक्चर हिज और हर हैंड्स आर टचिंग द स्टोर वाटर. इस जो पिक्चर में है वो हैंड्स जो है वो स्टोर वाटर को टच कर रहे हैं. द हैंड्स मे बी डर्टी और मे हैव जर्म्स स्टिकिंग इन टू इट विच एंटर द वाटर ऑल्सो. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. बी पार्ट इज वट वुड हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. इसके रिजल्ट से क्या हो जाएगा? द वाटर इज नो मोर पोर्टेबल. If we store potable water and dip our germs hand into it, we can fall sick by drinking water. So इस water को drink करने से हम लोगों के अंदर germs जो हैं वो enter कर सकते हैं and we can fall sick. So I hope worksheet is clear to you all. Now students, you have to complete practice question number 3. What should one keep in mind when storing potable water? Potable water को store करते time हमें हमारे mind में क्या रखना चाहिए? We should use a large camper that have a lid to store potable water.
पोटेबल वाटर को स्टोर करने के टाइम हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो भी कंटेनर है उसके ऊपर लीड है या नहीं है. क्लियर? वी शुड मेक श्योर दैट द कंटेनर वी यूज फॉर स्टोरिंग द वाटर इज क्लीन. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. वी शुड नॉट यूज कंटेनर्स दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग अदर थिंग्स लाइक जूसेस एंड मिल्क टू स्टोर वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन वी स्टोर पोटेबल वाटर? वी कैन स्टोर पोटेबल वाटर इन हाउ कैन वी स्टोर पोटेबल वाटर? वी कैन स्टोर पोटेबल वाटर इन अ क्लीन प्लास्टिक और स्टील बॉटल, इन जार, इन स्टील यूटेंसिल्स विद लीड और इन कैंपस. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल्सो. यू हैव टू कम्प्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.